वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स, आज हम आपको जेंट सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोबारा सिखाएंगे। व्यूअर्स, व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए हमसे बहुत से लोगों ने ये फरमाइश की कि हमें जेंट सूट दोबारा बनाना सिखाएं, तो अपने चाहने वालों की फरमाइश पे हम ये जेंट सूट दोबारा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जो जेंट सूट तैयार किया था वो गर्मियों का मैचिंग सूट था, और अब जो हम जेंट सूट बनाएंगे ये सर्दियों का गर्म सूट है, और ये बड़े अर्ज का कपड़ा है और पाकिस्तान में तकरीबन 4.25 या 4.5 गज में मिलता है। तो अब हम इसको खोलेंगे और सबसे पहले शलवार का साइज़ लेने के बाद शलवार के कपड़े को कट करेंगे। तो ये हमारी शलवार की लेंथ है 39 इंच, तो हमें 2 इंच नीचे पांचे की टर्निंग के लिए और 2 इंच नेफे की टर्निंग के लिए चाहिए। तो 39 + 4 इंच हमें 43 इंच पे निशान लगाना है। हम यहाँ पे 43 इंच पे निशान लगाएंगे। 43 इंच पे निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इस तरह से कपड़े को डबल करेंगे। इस तरह से हम कपड़े को डबल करेंगे। और डबल करके इस तरह से सेट करने के बाद हम यहाँ से शलवार के कपड़े को कट करेंगे। तो अब हमने इस तरह से कपड़े को सेट कर लिया है, तो अब हम यहाँ से शलवार के कपड़े को कट कर देंगे। व्यूज, ये आप देख सकते हैं कि ये हमने ओपन साइड्स को ऊपर नेफे की तरफ रखा है, तो इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे। और यहाँ पे जो फोल्ड साइड है इसको हमने यहाँ नीचे पांचे की तरफ रखा है, तो यहाँ पे हम पांचे का साइज लेने के बाद सलवार की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको तकरीबन 12 इंच तक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 1/2 इंच की सिलाई अंदर की तरफ लगानी है, क्योंकि हमें यहाँ कुंदे और पल्ले की सिलाई को मेंशन करना है। व्यूअर्स, यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप यहाँ पे कट करके भी कुंदे और पल्ले को लैदा तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ से आसन को हम 18 इंच तक लेंगे, और 16.5 इंच आसन तैयार करने के बाद हम अब बाकी के कपड़े को कट कर देंगे। और यहाँ फोल्डेड साइड से हम 12 इंच तक लेंगे, और यहाँ से निशान लगाते हुए हम ऊपर आसन के निशान तक जाएंगे, और इस तरह से हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम इनर लेग को कट करेंगे। व्यूज, ये जो फोल्डेड साइड है यहाँ से भी हम कट करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि अगर आप बड़ा घेर पसंद करते हैं तो आप इसी तरह से बड़े अर्ज के साथ ही शलवार को स्टिच कर सकते हैं, और अगर आप छोटा घेर पहनते हैं तो फिर यहाँ से 2-3 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप यहाँ से कट करके भी शलवार को तैयार कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये हमारे फोल्डेड साइड से बचा हुआ पीस है, ये हमारे कफ कॉलर और पॉकेट लगाने के काम आएगा, तो अभी हम इसको साइड पर करेंगे। व्यूअर्स, ये हमारे पास इस पैकेट में तैयारशुदा जेंट्स बैंड कॉलर्स हैं, और इस पैकेट में तमाम ब्लैकेट्स हैं। ये हम आपको निकाल के दिखाएंगे, ये आपको बाज़ार से कहीं से भी मिल जाएगा। ये कफ पट्टी है, और ये फ्रंट और स्लीव्स की तमाम ब्लैकेट्स हैं, और इसमें पांचा पट्टी भी है। तो अब हम आपको बताएँगे कि हम इसको पांचे में कपड़े के अंदर इस तरह से सेट करेंगे, और इस तरह से इस्त्री से चिपकाने के बाद हम यहाँ पे ऊपर सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ कुंदे और पल्ले की सिलाई के लिए यहाँ ऊपर नेफे की साइड में 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम कट लगाएंगे इस तरह से, और इसी तरह यहाँ पांचे की साइड में भी हम यहाँ 7.5 इंच के निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद
हम यहाँ कट लगाएंगे और अब हम यहाँ पौंचे के कट और इसी तरह से हमने जो नेफे की साइड में जहाँ ऊपर की साइड में कट लगाया है इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ के हम इसको इस तरह से इस्त्री से सेट करेंगे और इस्त्री से सेट करने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और अब हम यहाँ आसन वाली साइड से इस तरह से कपड़े को इस साइड पे टर्न करेंगे और यहाँ इस निशान से लेके और यहाँ इस निशान तक पौंचे के निशान तक हम इस्त्री से इसको सेट करेंगे। इसी तरह से हम चारों साइडों को इस्त्री से सेट करेंगे और यहाँ पे क्वार्टर इंच के मार्जिन पे हम सिलाई लगाएंगे।